After gastrulation, next topic that we will study is placenta, right? So gastrulation तक हमने ये पढ़ लिया था कि कहाँ कहाँ और किस टाइम पीरियड के दौरान कितनी जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, लाइक एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लेसेंटा. ऑल राइट, सो प्लेसेंटा एक्चुअल में होता क्या है? प्लेसेंटा एक तरह का ऐसा इंटीमेट कनेक्शन होता है मदर की यूट्रीन वॉल्स और फीटल की मेम्ब्रेन्स के बीच में. ऑल राइट, और उसके अलावा अगर आपको प्रीवियस स्ट्रक्चर्स याद हो तो ये जो आपने इस तरह के विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स देखे हैं जो कि कोरियन से अराइज होते हैं, ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज एक्चुअली फॉर्म दी न्यूट्रिटिव लेयर्स ऑफ प्लेसेंटा. उसी तरह उन्हीं कोरियोनिक विलाई स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर मॉडिफाई करके दिखाया गया है. दिस इज़ द रीजन जो कि फीटल वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इधर का जितना भी पोर्शन है ये मदर का जो प्लेसेंटल रीजन है, यूट्रीन वॉल्स हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, सो हियर अम्बिलिकल कॉर्ड पाई जा रही है, उसके साथ अम्बिलिकल वेन्स अटैच्ड हैं एंड अम्बिलिकल आर्टरीज अटैच्ड हैं. वेन्स हमेशा वेस्ट मटेरियल को कैरी करके मदर की बॉडी की तरफ लेकर आती है, और आर्टरीज हमेशा यूजफुल कंपोनेंट्स को मदर की बॉडी से फीटस की बॉडी में पहुँचाती है. दिस इज़ द मेन प्लेसेंटल रीजन. इस प्लेसेंटल रीजन के इधर की जो वॉल्स होंगी दैट विल बी कॉल्ड एज फीटल प्लेसेंटा, और इस मेन प्लेसेंटल जंक्शन के इधर की साइड की जितनी भी वॉल्स होंगी दे विल बी कॉल्ड एज दी मेटर्नल प्लेसेंटा. ऑल राइट, प्लेसेंटा के जस्ट नीचे जो मेन लेयर डिफ्रेंशिएट करती है फीटल और मदर के एनवायरनमेंट को, दैट इज़ कॉल्ड एज दी कोरियोनिक लेयर. इसी कोरियोन से अराइज होते हैं कुछ ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई. ऑल राइट, इन्हीं विलाई से कॉम्पोनेंट्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम मदर्स बॉडी टू फीटल बॉडी एंड फ्रॉम फीटल बॉडी टू मदर्स बॉडी. ऑल राइट, देन अपार्ट फ्रॉम दैट मदर की बॉडी से जो भी आर्टरीज अराइज हो रही हैं, जो यूजफुल कंपोनेंट्स को ट्रैवल कराकर लेकर जाती हैं, दे आर कॉल्ड एज द यूट्रेन आर्टरीज. और वो वेन जो अम्बिलिकल वेन से अटैच होकर के प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस करके लेकर आएगी, दे आर कॉल्ड एज दी प्लेसें सॉरी दे आर यूजुअली कॉल्ड एज द यूट्रेन वेन. ऑल राइट, कभी भी मदर का ब्लड और फीटल ब्लड आपस में इंटरमिक्स नहीं होता है. ओनली यूजफुल कॉम्पोनेंट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन साइड टू अनदर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ऑल राइट, सो अगर हम बात करें कि प्लेसेंटा कौन कौन से रोल्स परफॉर्म करता है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो प्लेसेंटा एक एज लंग्स भी वर्क करता है. ठीक है, जितनी भी गैसियस एक्सचेंजेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है, इट अकर्स थ्रू प्लेसेंटा. ऑल राइट, इट वर्क्स एज एन इंटेस्टाइन. वाई? बिकॉज मदर की बॉडी में जितना भी फूड मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब हुए हैं, वो यूजफुल चीज़ें सब पहुँचती हैं कहाँ पर? दे यूजली पेनीट्रेट टू दी फीटल बॉडी. तो इट वर्क्स एज इंटेस्टाइन ऑल्सो. जो प्लेसेंटा का रीजन है, इट ऑल्सो वर्क्स एज अ किडनी. वाई? बिकॉज जितना भी फीकल मैटर फीटस की बॉडी में बन रहा है, वो सारा का सारा फीकल मैटर ट्रांसफ़र होता है और मदर की बॉडी में फिर से एलिमिनेट होता है थ्रू अम्बिलिकल वेन एंड यूट्रीन वेन्स. ऑल राइट, देन इट ऑल्सो सर्व्स एज अ लिवर. राइट, हाउ लिवर? क्योंकि ये ऐसे आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स को बनाता है जो कि फीटल की बॉडी में फीटस की बॉडी में यूजुअली हेमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करेगा, तभी तो ब्लड का फॉर्मेशन हो पाएगा बेसिकली. ऑल राइट, प्लेसेंटा ऑल्सो वर्क्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड. हाउ? ये ऐसे गोनाडोट्रोफिन हॉर्मोन्स बनाता है जो कि मदर की बॉडी को प्रेगनेंसी के दौरान चेंजेस को मेंटेन करने में हेल्प करता है. तो प्लेसेंटा ऑल्सो वर्क्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज ये जो हॉर्मोन्स बनाने में हेल्प करता है, वो हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन भी हैं जो फीमेल बॉडी में बनेंगे, प्रोजेस्टेरॉन भी हैं. ऑल राइट, दे ऑल्सो फॉर्म ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हॉर्मोन. ये वो हॉर्मोन है जो कि कोरियोनिक विलाई को एक सस्टेनेंस प्रोवाइड करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इट ऑल्सो मेक्स अ हॉर्मोन दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. ये जो हॉर्मोन है ये आफ्टर प्रेगनेंसी लैक्टोजन को बनाने में इनिशिएट करेगा. सो प्लेसेंटा ऑल इन ऑल वर्क्स एज एंड एंडोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स. ऑल राइट, अगर हम प्लेसेंटा के साइज की बात करें
इनिशियल स्टेजेस में सिर्फ 18 सेंटीमीटर लॉन्ग जब फीटस होता है तो बहुत ही हल्के हल्के ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट प्रेगनेंसी के एंड तक आते आते इसका जो डायमीटर है ये 20 सेंटीमीटर्स तक बढ़ जाता है। ऑल राइट, सो दैट इज़ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लेसेंटा। ऑल राइट,